हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रिक यूट्यूब पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले IPL 2021 के ऑक्शन को लेकर। जी दोस्तों, IPL 2021 के ऑक्शन की बात करें तो यहाँ पे जो बिग बैश लीग चल रही है ऑस्ट्रेलिया की, उसके काफी ज्यादा जो इम्पोर्टेंट प्लेयर है उन पर काफी ज्यादा डिमांड रहने वाली है। तो इस वीडियो में उसी के बारे में बात करने वाले कि ऐसे कौन से प्लेयर है जो बिग बैश लीग खेलते हैं और उनकी डिमांड रहने वाली है। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला, अंत तक जरूर देखें। और अगर वीडियो पसंद आता तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें नंबर 6 की, तो नंबर 6 पर आते हैं यहाँ से बेन मैकडरमॉट। जी हाँ दोस्तों, मैकडरमॉट की बात करें तो हॉबार्ट हरिकेन्स के लिए खेलते हैं बिग बैश लीग में, और इसकी इनकी बात करें तो ये विकेट कीपिंग के रूप में एक बढ़िया ऑप्शन देते हैं। इसके अलावा इनकी बात करें तो बैटिंग में ये ओपनिंग करते हैं या फिर वन डाउन बैटिंग के लिए आते हैं, तो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है, हार्ड हिटिंग करते हैं, 90s के आसपास भी स्कोर करे तो काफी बढ़िया ऑप्शन रहने वाले हैं। तो इस लिस्ट में जो नंबर 6 पर है वो है बेन मैकडरमॉट। नंबर 5 की बात करें तो डार्सी शॉट। या दोस्तों, डार्सी शॉट की बात करें तो BBL में कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं, हालांकि इस सीजन बैटिंग से इतने बढ़िया फॉर्म में नहीं थे लेकिन बॉलिंग से भी बढ़िया प्रदर्शन दिया है। तो डार्सी शॉट की बात करें तो इससे पहले भी राजस्थान रॉयल्स ने IPL में इनको खरीदा था लेकिन इतना बढ़िया प्रदर्शन नहीं दे पाए थे, इस वजह से इनको ड्रॉप कर लिया था। लेकिन इस सीजन की बात करें तो जो टीमें हैं वो डार्सी शॉट की तरफ जरूर से जा सकती है एज ए ऑलराउंडर। अब बात करें नंबर 4 की, तो नंबर 4 पे आते हैं एलेक्स कैरी। या दोस्तों, एलेक्स कैरी की बात करें तो अभी दिल्ली कैपिटल्स के साथ में जुड़े हुए थे लेकिन इस सीजन उनको ड्रॉप कर दिया है। एलेक्स कैरी की बात करें तो पिछले सीजन ही दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा था, इस सीजन ड्रॉप कर दिया। हालांकि उनको काफी कम चांसेज मिले क्योंकि ऋषभ पंत उनके लिए रेगुलर कीपर है। इसके अलावा ऋषभ पंत जब शॉर्ट आउट हुए तो उनको मौके मिले, वहां पे बढ़िया भी प्रदर्शन किया लेकिन दिल्ली कैपिटल्स ने इस साल इनको रिलीज किया है। तो ऐसे में जो IPL की दूसरी टीमें हैं वो इनकी तरफ जरूर से जा सकती है क्योंकि बिग बैश लीग की बात करें तो इन्होंने काफी बढ़िया प्रदर्शन दिया, इसके एक विकेट कीपिंग ऑप्शन भी देते हैं। तो इनकी बात करें तो इन पर भी काफी बढ़िया बोली लग सकती है। अब बात करें इस लिस्ट में नंबर 3 पर, तो नंबर 3 पर आते हैं एलेक्स हेल्स। या दोस्तों, हेल्स की बात करें तो ये भी काफी बढ़िया ऑप्शन रहने वाला है इस सीजन क्योंकि ये टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं। इसके अलावा बिग बैश लीग में काफी बढ़िया फॉर्म में थे, हर मैच में रन बनाए, इसके अलावा एक सेंचुरी भी बनाई है, तो और टॉप रन गेटर भी है। तो ऐसे में एलेक्स हेल्स पे भी काफी ज्यादा बोली लग सकती है। चेन्नई सुपर किंग्स इनकी तरफ जरूर से जा सकती है क्योंकि बात करें तो इनको एक टॉप ऑर्डर के बैट्समैन की तलाश है क्योंकि शेन वॉटसन ने रिटायरमेंट लिया है। तो ऐसे में बात करें तो एलेक्स हेल्स पे भी काफी बढ़िया बोली लगने वाली है। नंबर 2 पे बात करें तो डेविड मलन। या दोस्तों, इंग्लिश ओपनर डेविड मलन की बात करें तो T20 रैंकिंग में नंबर 1 पर है। इसके अलावा बात करें तो बिग बैश लीग में भी ठीक ठाक प्रदर्शन दिया है लेकिन एज ए कंसिस्टेंट परफॉर्मर टीमें इनकी तरफ जरूर से जाने वाली है क्योंकि ये कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देते हैं। पहले 10-15 गेंदे खेलते हैं, उसके बाद में बड़ी इनिंग भी खेल सकते हैं, हार्ड हिटिंग भी कर सकते हैं लास्ट में जाकर, तो काफी बढ़िया ऑप्शन रहने वाले डेविड मलन। तो डेविड मलन की तरफ टीमें जरूर से जाने वाली है, खास करके जब T20 रैंकिंग में नंबर 1 पर है तो काफी ज्यादा टीमें इनके पीछे जाने वाली है। नंबर 1 पर आते हैं जाय रिचर्डसन। या दोस्तों, इस बिग बैश लीग की बात करें तो बैटिंग और बॉलिंग इन सब में मिलाकर भी बात करें तो जाय रिचर्डसन ने सबसे बढ़िया प्रदर्शन दिया है। या दोस्तों, रिचर्डसन की बात करें तो हर मैच में दो तीन विकेट निकाले, इसके अलावा इकोनॉमिकल बॉलिंग करी है और फास्ट बॉलिंग भी करते हैं। या दोस्तों, 140 प्लस की भी बॉलिंग करते हैं, तो इनकी बात करें तो इनकी काफी ज्यादा डिमांड रहने वाली है। हालांकि मिशेल स्टार्क भी अवेलेबल है इस ऑक्शन में लेकिन जाय रिचर्डसन की भी बॉलिंग काफी बढ़िया लगने वाली है। तो इस लिस्ट में नंबर 1 पर आते हैं जाय रिचर्डसन। तो दोस्तों, यही थे 6 प्लेयर जिनके ऊपर काफी ज्यादा जो IPL की टीम है वो जा सकती है। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।